हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय क्रिएशंस वर्ल्ड। नहीं, स्क्रैच वर्ल्ड। असल में क्या होता है ना, हमारे ज़िंदगी में चैलेंजेस कभी ख़त्म ही नहीं होता है। जब तक हम जिंदा है, हमारे चैलेंजेस भी ना साथ साथ जिंदा ही रहेगा। देखिए ना, इसीलिए मैं इस बार एक नहीं बल्कि दो दो चैलेंज लिया है। एक चैलेंज तो पता ही है, इस वीडियो में बताया था कि यूट्यूब चैनल को मोनिटाइज करवाना है 3 महीने के अंदर। और दूसरा चैलेंज ये देखिए, स्क्रैच आउटफिट वाला चैलेंज। जी हाँ, मैं यहाँ पे 30 डेज वाला स्क्रैच आउटफिट चैलेंज लिया है। पता नहीं क्या होगा आगे। और हाँ, इसका फर्स्ट ऑलरेडी मैंने बनाया है, अब देखा है, ईद पे मैंने बनाया है। इसके लिए एक वीडियो बनाया है, इसका मतलब कटिंग स्टिचिंग का वीडियो भी बहुत जल्द आने वाला है चैनल पे। बट देखिए, चैलेंज करना है स्क्रैच आउटफिट का, तो उसके लिए तो मुझे फैब्रिक चाहिए था। पहले सोचा कि मैं इंस्टाग्राम पे जाके फैब्रिक देखती हूँ और वहाँ पे परचेस करती हूँ। तो माँ को बताया तो माँ ने बताया कि तेरे पास इतना सारा फैब्रिक ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो फिर अभी क्यों बाय करना है। फिर मैंने भी सोचा कि हाँ माँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मेरे पास सच में काफ़ी सारा मतलब मटेरियल्स ना पड़ा हुआ है जिसका मैं अभी तक कुछ किया नहीं है। तो सोचा कि सबसे पहले इन सबको निकालते हैं और एक जगह पे कलेक्ट करके देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है, इसमें क्या बन सकते हैं क्या नहीं बन सकते हैं। तो मेरे पास काफ़ी सारे पुराने साड़ी भी था, उसको भी मैं निकाल रही थी, उसको भी मैं ढूंढ रही थी कि कहाँ पर है। और यहाँ पर थोड़ा सा इग्नोर कीजिए, मेरे अलमारी अभी थोड़ा सा मेस्टअप होके रखा है, क्योंकि मुझे एक बार सब कुछ धूप पर डालना है और उसके बाद अच्छे से सेटअप करना है। तो जो भी था सबको मैं इधर उधर से ढूंढने लग गई कि कहाँ पे क्या है और निकालने लग गई। और आपको क्या लगता है मेरे पास कितना सारा फैब्रिक और कितना सारा पुराने साड़ी होगा, मतलब इसमें 30 डेज वाला बनेगा या नहीं, तो चलिए दिखाते हैं। तो देख लीजिए, मेरे पास इतना सारा फैब्रिक है, अब तो मुझे लग रहा है 30 नहीं बल्कि मेरे पास 60 डेज वाला आउटफिट बन जाएगा इसमें। बट फिलहाल तो मुझे 30 डेज वाला चैलेंज कंप्लीट करना है, देन आगे का देखेंगे। और यहाँ पे बैठ के ना मैं राफली जो भी मेरा आइडिया है कि मुझे किस फैब्रिक के साथ क्या बनाना है, वो मैं यहाँ पे नोट डाउन कर रही हूँ। इसमें काम बहुत आसान हो जाता है। और मैं राफली क्यों बोल रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे फैब्रिक है जो मैंने रैंडमली बाय किया है, तब मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं इसके अंदर मतलब इससे मैं क्या बनाऊँगी क्या नहीं बनाऊँगी। तो अब मैं अगर कोई पर्टिकुलरली डिज़ाइन बनाऊँगी ना, तो उसके लिए मुझे सही से मेज़रमेंट करना होगा कि इसमें वो डिज़ाइन आएगा या नहीं। तो इसलिए मैं राफली सारे आइडिया को नोट डाउन कर रही थी। और ये देखिए, मेरा सेकेंड आउटफिट है जो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। और इससे मुझे एक बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया था। एक्चुअली मेरा काम का प्रेशर इतना ज़्यादा मैं ले रही हूँ ना कि लगता है कि मेरा दिमाग काम करना बंद कर रहा है। तो मैंने ऐसे एक मिस्टेक्स किया है ना जो कोई सोच भी नहीं सकता है। चलिए इस बात को हम छोड़ते हैं और एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, रुकिए। ये मेरा बहुत एक फेवरेट मतलब फैब्रिक है, ये वाला फैब्रिक देख लीजिए। और ये मैं पता है कब परचेस किया था, जब मुझे स्टिचिंग का एज भी नहीं आता था तब मैंने ये परचेस किया था। पता नहीं, मुझे कोई आइडिया भी नहीं था कि कितना फैब्रिक मुझे परचेस करना चाहिए, बस अच्छा लगा मैंने उठा लिया। ये ब्लैक के ऊपर है और साथ में मैंने कॉम्बिनेशंस करने के लिए ये वाला लिया था ऑरेंज कलर का। बट अभी मुझे लगता है कि नहीं, ये अच्छा नहीं लग रहा है दोनों में, मतलब वर्क अलग है, इसमें एम्ब्रॉयडरी वर्क है और इसमें कुछ अलग वर्क है। तो समझ नहीं आ रहा कि मैं इसका क्या बनाऊँ। तो इसको मैं अभी नहीं बना रही हूँ, थोड़े टाइम बाद मैं इसका सोचूंगी, क्योंकि ये मेरा बहुत पसंद का एक चीज़ है। मैं नहीं चाहती हूँ कि इसके साथ मैं कुछ भी गलत एक्सपेरिमेंट करूँ, तो इसे मैं बाद में बनाऊँगी। पर और एक चीज़ है, मैं और एक साड़ी आपको दिखाती हूँ। ये वाला साड़ी देख लीजिए, ये बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है। ये सिल्क का साड़ी है और ये साड़ी मैंने परचेस किया था ये ड्रेस को रिक्रिएट करने के लिए। बट अभी मुझे लगता है कि इसमें कुछ और बनाऊँगी तो अच्छा लगेगा, तो इसका भी मैं सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। ये मुझे बहुत पसंद है, इसका कलर बहुत सुंदर है, ठीक है। तो इसका भी ये देखिए, ये कॉटन का एक फैब्रिक है। तो मैं सोच रही हूँ पहले इसको कंप्लीट कर लूँ, देन मैं साड़ी का सोचूंगी। तो देखते हैं इन दोनों में से किसी एक का मैं अब थर्ड में स्टार्ट करने वाली हूँ, या तो ये कॉटन का होगा या तो फिर ये साड़ी का। सच बोलूँ तो सच में ये काफ़ी ज़्यादा मतलब मेरे लिए एक चैलेंज है कि एक तरफ तो मेरा यूट्यूब चैनल का भी मोनेटाइज करवाना है और दूसरी तरफ ये जो 30 डेज स्क्रैच आउटफिट वाला चैलेंज है। तो काफ़ी ज़्यादा मेरे ऊपर प्रेशर आने लगा था और इसी वजह से ना जो मेरा सेकेंड आउटफिट था उसका ऐसी ही मैंने गलती किया है कि क्या बताऊँ, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। जब मैं वो वाला आउटफिट के बारे में बताऊँगी तब बताऊँगी। तो बस यही है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इस बार और मेरे इस जर्नी में मेरे साथ रहिए, देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है। आई होप आपको अच्छा अच्छा कंटेंट मिलेगा, अच्छा अच्छा ड्रेस देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, मुझे पता है कि मतलब हार कर जीतने वालों को बाजीगर कहते हैं, पर सच बताओ तो इस बार मुझे बाजीगर नहीं, मुझे जीत कर सहनसा बनना है। तो बस उम्मीद के साथ शुरू किया है ये चैलेंज, ये सफ़र, देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। आज के लिए इतना ही, मिलता है सबके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव एंड स्टे कनेक्टेड विद माय क्रिएशंस वर्ल्ड।